14 मार्च 2023 को सीआरपीएफ का लखापाल में कैंप खुला था। उस कैंप खुलने के बाद जो हमारा टीम्स जाती हैं एरिया डोमिनेशन की, उसी एरिया डोमिनेशन में हमने ये केरलाकंटा गांव में एक पारा में देखा कि एक मंदिर है जो पुराना मंदिर था, काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उस मंदिर को देखने के बाद यहाँ से जब पूछताछ की गई गांव वालों से पता चला, तो ये पता चला कि एक पुराना ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पूर्व में मेला भी लगा, वार्षिक मेला भी लगता था। आगे जानकारी जानने में पता हुआ कि सन 2003 में नक्सलियों द्वारा इस मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया और इसको बंद करा दिया गया, यहाँ पूजा पाठ सब बंद करा दिया गया और उन्हें इस मंदिर को काफी नुकसान भी पहुंचाया। उसके बाद कोई एक मंदिर का एक परिवार चोरी छुपे यहाँ पूजा करता रहा। कैंप लगने के बाद ग्रामीणों को मैं थोड़ा उत्साह आया और उन्होंने सीआरपीएफ से रिक्वेस्ट किया 74वीं बटालियन से कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। तो काफी सोच विचार के बाद इस मंदिर की साफ सफाई गांव वालों के साथ मिलकर हमारी सीआरपीएफ की टीम्स ने करी, 74वीं बटालियन की बटालियन ने, और ग्रामीणों के साथ साफ सफाई करने के बाद अब यह मंदिर पुनः ग्रामीणों को सौंप दिया गया है और ये मंदिर पुनः ग्रामीण यहाँ रोजाना पूजा करने लगे हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ गांव की लेडीज ने, बच्चों ने भी यहाँ पर आके शाम को पूजा अर्चना की है। तो अब ये हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस मंदिर के साथ साथ गांव में भी पॉजिटिविटी और गांव के लोगों में विकास के और रास्ते आगे की जाए।